हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल में कोई भी मूवी हो, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम वीडियो पे हो, हॉटस्टार पे हो, G5 पे, किसी भी OTT प्लेटफार्म पे हो, उस मूवी को आप आसानी से चुटकी में डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो गाइज, उसी के बारे में बताऊँगी कि आप अपने मोबाइल में उस मूवी को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से आप न्यू रिलीज मूवी को भी रिलीज के 2 से 3 घंटे के अंदर इस वेबसाइट पे मूवी अपलोड हो जाती है, आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइज, चलिए जानते हैं किस प्रकार से मूवी डाउनलोड करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे कनेक्शन एंड शेयरिंग पे जाना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको प्राइवेट DNS पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है dns.edgard.com। आपको कुछ इस तरह से इसमें लिख लेना है बॉक्स में dns.edgard.com। लिखने के बाद गाइज, आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये DNS सेव हो गया है। अब हमारे मोबाइल में कोई भी क्रोम में ऐड नहीं आएगा, यानी आपके मोबाइल में ऐड नहीं आएगा कोई भी। तो गाइज, आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, उसके बाद अगर ये प्राइवेट DNS नहीं आता है दोस्तों, तो आपके मोबाइल में दूसरे सेटिंग में भी हो सकता है, तो आपको यहाँ से आपको प्राइवेट DNS सर्च कर लेना है। तो गाइज, उसके बाद आप चलते हैं, आपको गाइज यहाँ पे अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है वेगा मूवीज। यहाँ पे गाइज, मैंने सर्च किया हूँ वेगा मूवीज। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक वेबसाइट आ गया है। तो गाइज, आपको यहां से इस वेबसाइट को यहां पे vegamovies.monster, तो गाइज यहां पे डॉट मॉन्स्टर के जगह और भी आपके मोबाइल में कुछ आ सकता है, तो आपको उसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसका डोमेन नेम चेंज होते रहता है। तो गाइज, यहां पे आपको vegamovies.nl लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डोमेन नेम .baby चेंज हो गया है, तो वो डोमेन नेम चेंज होते रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त गाइज, यहाँ पे कितना सारा मूवी है। आप सभी मूवी को 480p क्वालिटी, 720p क्वालिटी या फिर फुल HD में 1080p क्वालिटी में भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइज, आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको किस तरह से डाउनलोड कर लेना है। तो गाइज, यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं वॉचर 2022 ये मूवी को डाउनलोड करने वाला हूँ, तो आप डाउनलोड करने के लिए इस मूवी पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यह मूवी का नाम आ गया है, डाउनलोड वॉचर 2022 ड्यूल ऑडियो, यानी ये मूवी हिंदी ओरिजिनल में है। उसके बाद इंग्लिश में भी ये मूवी है, WebDL में है। आपको जब भी लोड करना है तो WebDL में ही लोड कीजिएगा, तब वो फ्रेश क्वालिटी में होगा, वो HD में आएगा। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं इस मूवी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे गाइज, मूवी का IMDb रेटिंग यहाँ पे दिखा रहा है। गाइज, यहाँ पे मूवी का स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, यहाँ पे कितना क्लियर स्क्रीनशॉट है। तो गाइज, ये मूवी पूरी तरह से ब्लू रे है, यानी HD में है। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी ओरिजिनल है प्लस इंग्लिश है। तो गाइज, यहाँ पे मैं 480p क्वालिटी में डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइज, यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के सिंपली डाउनलोड नो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं techvibes.com वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको भी आपके मोबाइल में भी आएगा प्लीज वेट, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आ गया I'm not a robot। आपको I'm not a robot पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज वेट का ऑप्शन आ रहा है, आपको वेट करना है। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं जनरेट लिंक का ऑप्शन आ गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है प्लीज वेट, आपको वेट कर लेना है।
गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लिंक जनरेट हो गया। यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक हियर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से वही वेबसाइट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन को सिक्योर, मतलब वो जांच कर रहा है कि कनेक्शन सिक्योर नहीं है। आपको इसी तरह इसको छोड़ देना, यहाँ पे आ गया खुल के। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इस मूवी को जी डायरेक्ट के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं, वी क्लाउड के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल ड्राइव के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस जब भी आपको डाउनलोड करना है तो वी क्लाउड रिज्यूमेबल पे क्लिक करके बीच वाला ऑप्शन पे यानी वी क्लाउड पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। इससे गाइस ये होगा, अगर आपका मूवी डाउनलोड करते वक्त अगर नेट खत्म हो गया तो आप दूसरे से नेट लेके भी इसको मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाले से डाउनलोड करेंगे तो वो उससे डाउनलोड होगा, लेकिन अगर बीच में नेट रुक जाता है तो फिर से वो डाउनलोड शुरू होने लगेगा। तो ऐसे में आपका नेट डेटा ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको वी क्लाउड से ही डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे वी क्लाउड पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस देखिए एक नया पेज खुल गया है। आपको यहाँ पे मूवी का साइज दिखा रहा है 321.11 MB। तो गाइस आपको यहाँ पे जनरेट डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड लिंक जनरेट हो गया है। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे डाउनलोड फाइल हो यानी मूवी डाउनलोड हो रहा है। आपको डिटेल पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं वाचर 2022 400 CP ब्लू रे हिंदी इंग्लिश। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 321.11 MB का है ये वाचर मूवी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर भी या फिर MX प्लेयर से भी देख सकते हैं मूवी, या फिर प्ले इट से देख सकते हैं। तो गाइज वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।